अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद जावेद पारेख। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कराची और अंदरून सिंध के मारूफ बिल्डर जनाब उस्मान के ओनर जनाब मुशर्रफ साहब से इनके कुछ तासुरात लेते हैं और कुछ इनके साथ मामलात ऐसे हैं जो हमारी सूबाई हुकूमत के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर कुटरी के हवाले से ख़ास तौर से के साथ प्रॉब्लम्स हैं जो ये हमारे साथ शेयर करेंगे और हम आप तक ये बात पहुँचाएँगे। आप ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मुशर्रफ इकबाल। मुशर्रफ साहब, आपकी कंपनी का नाम क्या है? उस्मान इनको। उस्मान इनको, सर ये आप बताएगा, आपने कोटरी में भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है, कोई उसको तकमील किया माशाल्लाह, और कोटरी में आपको लोग बहुत इज्जत भी देते हैं वहाँ के। हमने हमारे जो ज़राए ने बताया कि कोटरी में आपका काम और आपने जो बहुत अच्छा काम किया, इससे पहले के एडमिनिस्ट्रेटर थे जनाब कामरान कुल्होड़ो साहब, अब नए एडमिनिस्ट्रेटर आए कोई इमरान साहब, तो इनसे इमरान साहब के साथ आपके क्या प्रॉब्लम है और कामरान साहब से आपके क्या प्रॉब्लम थे? सर लास्ट 3 मंथ मैंने प्रोजेक्ट किए थे, कंप्लीट जब रेन एमरजेंसी हुई थी उस वक्त कंप्लीट किए थे प्रोजेक्ट्स मैंने अपने, नियर अबाउट 3.2 मिलियन से मेरे उस वक्त, तो रेन एमरजेंसी की वजह से फंड्स वगैरह क्लोज हो चुके थे डीसी की तरफ से और सीएम की तरफ से भी थे क्योंकि सैलाब वगैरह आ गया था। तो कामरान साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा फंड्स हम आपको रिलीज़ कर देंगे लेकिन रेन एमरजेंसी ख़त्म होने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके फाइन। अचानक कामरान साहब चले गए, इमरान साहब आए उसकी जगह पे, एडिशनल चार्ज है उनके पास कोठड़ी का। 2-3 महीने से उनके पास जा रहा हूँ लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद 1 महीने के बाद यही चक्कर लगा रहे हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ बोलते मिलते नहीं हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, आप काम खा रहे हैं, अभी पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने तो अपना काम किया है, नियर अबाउट 4 to 5 months हो गए लेकिन पेमेंट नहीं हो रही अभी तक मुझे। तो ये सिंध के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, कराची का तो सिस्टम अलग है, सिंध का अलग है, तो वहाँ पे तो हमको ये मालूम ये है कि हर महीने का फंड्स आता है, सैलाब के बाद भी फंड्स वहाँ पर आया, सीएम साहब ने भी फंड्स दिया और सिंध हुकूमत ने भी वहाँ पे बहुत काम किया सैलाब के हवाले से भी। तो ये जो इमरान साहब हैं ये फंड आपको क्यों नहीं दे रहे, क्या ये आपसे कुछ ये परसेंटेज मांग रहे हैं या परसेंटेज कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या सिलसिला है? सर उन्होंने क्लियर मुझसे बात की कि 25% देना पड़ेगा आपको, 25% देंगे तो आपका काम होगा। मेरी बिलिंग हुई हुई है, मेरे उनके साइन है उसके ऊपर, मैंने उनसे भी डिस्कशन की कि यार एक्चुअल अमाउंट है मेरी, मैं अगर 25% देता हूँ तो नियर अबाउट 8 लाख रुपए बनते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है, वो मुझे कौन देगा? तो मुझे आगे से ये बोला जाता है कि न्यू जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हम ओवर बिलिंग करके आपको दे देंगे। तो ये तो गलत होगा ना, ओवर बिलिंग करके देंगे, जो आपकी पेमेंट है वही होनी चाहिए। तो कामरान कुल्होड़ो साहब जो थे पहले आपके, उन्होंने उसको फाइनल कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि सब सही है, आप इस ये बिल्कुल साइन वाइन सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी उनके वहाँ पे इदारे होते हैं वो आपने क्लियर किया वो आपको? सर वो तो प्रूफ मेरे पास भी है, कामरान कुल्होड़ो साहब भी अभी भी हैं, आप उनसे भी कंसर्न, वो भी कंसर्न है, मैं उनका नंबर भी आपको दे सकता हूँ, उनसे भी बात करवा सकता हूँ, वो क्लियर हैं कि उन्होंने बिल भी क्लियर कर दिए हैं। सी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर के अभी जो चल रहा है अभी उससे भी बात हुई है, वो क्लियर अपनी तरफ से वो क्लियर है, मुझे उनसे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सीट पे अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अभी जो आए हुए वो बोले मुझे 25% आप देंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा इसमें। ये तो ज्यादती है 25% देना, किसी भी सूरत में अच्छा नहीं लगता है कि वैसे भी हमारा सिंध के अंदर नाम बड़ा है माशाल्लाह, सिंध वालों को और हमारे कराची वालों के करप्शन के अंदर में अवार्ड भी महसूस हो रहा है शायद मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा जो काम है। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे जनाब इमरान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोटरी जैसा इनका सिलसिला है उसको ज़रा ज़ेर गौर करें, उसके ऊपर अमल दरामद करवाएँ, या तो फिर ये पैगाम और ये वीडियो और ये सारे के सारे मैसेज जो हैं ये इंशाल्लाह ताला इदारों तक चंद मिनटों में चंद सेकंडों में पहुंच जाएंगे। तो और आप क्या कहना चाहेंगे इदारों से अपने वज़ीर बल्दिया से? सर मैंने नासिर हुसैन शाह को अप्रोच करने की कोशिश की, मेरे पास नंबर भी है उनका, लेकिन एक कंसर्न डिपार्टमेंट है सर का, उनका अपना पीपल्स पार्टी का कंसर्न ये सिंध सूबे का है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इस मैटर को देखें, मेरी प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व करें, क्योंकि मेरी एक लिमिट जमा पूंजी ज़िंदगी की लगी हुई है, इसके प्रूफ हैं, वहाँ बिल बने हुए हैं, सब बंदों को अकाउंट्स में ऑडिट में हर किसी को पता है, तो काइंडली इसको ज़रा देखें और ये मुझे पॉसिबिलिटी बनाए पेमेंट करने का करवाएँ। थे नाज़िर नासिर हुसैन शाह साहब बेसिकली एक पीपल्स पार्टी के वज़ीर बल्दियात और माशाल्लाह बहुत अच्छे नाइस इंसान हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं करते रहेंगे। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही नासिर हुसैन शाह साहब, मैं वैसे भी अपने रोड़ी से और शक्कर से बिलोंग करता हूँ, तो आप इस चीज़ को देखें बराए मेहरबानी, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस मसले को हल करा दें बगैर किसी परसेंटेज के जो हमारे
एडमिनिस्ट्रेटर इमरान साहब जो 25% मांग रहे हैं, ये ज्यादती है, इसके ऊपर गौर करें। जजाकल्ला मोहम्मद जावेद पारेख, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।